And today we will discuss about the charge. What is charge? Charge is a property of material which feels some force in electromagnetic region. Charge एक material की property है जो कि electromagnetic region यानी कि electric field और magnetic field की presence में उस पर कोई force feel होगा. यूं कहें कि जब हम चार्ज को या किसी ऑब्जेक्ट को जो कि चार्ज्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. क्या स्टार्ट हो जाएगा? मूवमेंट, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं कोई मोशन आएगा. या यूं कह सकते हैं कि उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा. तो ये बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की. व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच फील सम फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन. देर आर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अबाउट द चार्ज. चार्ज हैव टू टाइप्स, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सेकंड थिंग, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज. द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट चार्ज का है कूलम और इसका डायमेंशन है A1T1. A1T1 डायमेंशन क्यों है? क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी. क्यू इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी. आई होगा एम्पियर एंड टी होगा सेकेंड. तो एम्पियर की A1 और डायमेंशन T1. तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज A1 T1. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट कूलाम है. 1 कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम. स्टेट कूलाम इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज. 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500. ये फेराडे जो है वो चार्ज की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है. 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो फर्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल. मतलब क्या? कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है. या यूं कहें कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. इसका मतलब क्या? ये एक अच्छा पॉइंट है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज्ड है उस पर 100% मास होगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट मास है तो उस पर चार्ज हो. जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको. एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं अपन. जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मास m है, तो हो सकता है इस पर नेट चार्ज 0 हो. यानी 0 का मतलब इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल हो. लेकिन अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसका मास 100% डेफिनेटली होगा. क्यों? क्योंकि चार्ज में, अगर कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास भी होगा, इसलिए बॉडी पर चार्ज भी होगा. तो यानी कि कह सकते हैं कि इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड देन इट एसेंशियली हैव सम मास. और इफ ए बॉडी हैव सम मास देन इट डजंट मीन दैट कि इट हैव ए नेट चार्ज. चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय. इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो चार्ज कंजर्व्ड रहेगा. यानी यूं कह सकते हैं कि चार्ज ना तो डेवलप कर सकते हैं ना इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है. अब इसकी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ ए चार्ज. अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये कौन क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो कैपेसिटर तक है वहां तक हम रेस्ट में ही रहता है चार्ज. तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स इस बुक के इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड ही चलेंगे. उसके बाद अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दो चीजें प्रोड्यूस करता है. और अगर चार्ज एक्सेलरेट होगा तो ये 3 चीजें प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल लाइट. सनलाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हमने क्या डिस्कस किया आज? कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज करी चार्ज की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है?
इसको ध्यान से सुनते हैं और इस लेक्चर को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं।